भंडारे वाली आलू टमाटर की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे आप लोगों ने खाई भी होगी। और यहाँ पर हमारे घर के पास में एक बहुत बड़ा मंदिर है और यहाँ पर आलू टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी लगी, तो सोचा आपसे शेयर करूँ। और ये इन्होंने 80 केजी के आसपास आलू लिए हैं और 20 केजी के आसपास में इन्होंने टमाटर लिए हैं, और इन्हें टमाटर को बॉयल करना रख दिया है और आलू भी बॉयल होने शुरू हो गए हैं और साथ में ये बॉयल होकर रेडी हैं टमाटर, और इनको निकाल लिया और इसकी वो पीस कर बनाई जाएगी प्यूरी। बस इनको ऐसे ही निकाल कर इनकी टमाटो प्यूरी बनाएंगे। और साथ में इन्होंने 10 केजी मटर है, जो सफ़र की मटर है, मटर के दाने लिए हैं और उसको भी बॉईल करना शुरू कर दिया है, नमक डालकर, पानी डालकर दूसरी साइड पर। ये भी इसी में यूज़ की जाएगी सब्जी, भंडारे वाली सब्जी के अंदर। और इसमें डालेंगे 1.5 किलो के आसपास मिर्च और 1 किलो अदरक और 2 किलो मिर्च का पेस्ट बनाकर रेडी है। और एक गुच्छी लेंगे हम हरे धनिए की, उसको भी चॉप करेंगे और अच्छे से उसको धोकर इसमें यूज़ किया जाएगा। अब एक बहुत बड़ा भगोना लिया है इन्होंने, 700 लोगों का खाना बनाएंगे। और सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया रिफाइंड ऑयल 10 केजी, और उसमें डाला है 100 ग्राम जीरा और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और उसमें डाल दिया हमने हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट जो हमने पीस कर रखा हुआ था, और उसको भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर प्यूरी भी रेडी है पीस कर, और इसको भी हम यूज़ करने वाले हैं। हमारा अदरक भी और हरी मिर्च भी अच्छे से भून कर रेडी है। इसमें डालेंगे हम 3 डब्बी हींग की, MDH का हींग यूज़ किया है इन्होंने। और डालेंगे 100 ग्राम के 3 पैकेट हल्दी के, हल्दी पाउडर। टोटल 300 ग्राम इन्होंने हल्दी यूज़ की है। और हल्दी तो बहुत अच्छा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो है सब्जी में ज़रूर डालना चाहिए। कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च जिसको हम कहते हैं, जिससे कलर आता है सब्जी के अंदर, बहुत ज़बरदस्त लगती है सब्जी। ये भी इन्होंने 1 पैकेट यूज़ किया 100 ग्राम का। और साइड पर आलू भी जो बॉईल हो गए थे वो भी छीलना शुरू हो गए, उनको भी अच्छे से छीलना शुरू कर दिया। और इसमें हम डालेंगे टमाटर जो हमने पीस कर रखे हुए थे, सभी डाल देंगे। टमाटर भी इसमें डालकर दे दी, इसके बीच इसको चलाते जाएं और पकाते जाएं। अच्छा, और एक नमक की थैली, दो डब्बी हींग की, और कितने टमाटर? 15 किलो पड़ते हैं। अच्छा, ये कितने लोगों के लिए खाना हो जाता है? 500 आदमी के लिए एक सब्जी अगर है तो। और 1 पैकेट यूज़ किया कसूरी मेथी MDH किया,
और इसके अंदर यूज़ करेंगे 2 थैली नमक, ये 2 kg टाटा सॉल्ट है, 7 में थोड़ा सब्जी को और टेस्टी बनाने के लिए 1 इंच का टुकड़ा हम यूज़ करेंगे टाटरी का, ये देखिए आराम से मिल जाती है शॉप पर। और डाला है जीरा पाउडर 100 ग्राम, ये दरदरा कुटा हुआ जीरा था, ये डाला है हमने काली मिर्च 150 ग्राम, गरम मसाला 1 पैकेट 100 ग्राम का MDH, चना मसाला 100 ग्राम MDH, चना मसाला इन्होंने टोटल 200 ग्राम डाला है। साथ में डालेंगे हैं इन्होंने गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला है, और सौंठ पाउडर 100 ग्राम, एक पैकेट और यूज़ किया सौंठ का, तो टोटल हो गया 200 ग्राम। और डालेंगे सौंफ 100 ग्राम, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर 200 ग्राम, और साथ में डालेंगे, जैसे कई बार क्या होता है हम अमचूर पाउडर डालते हैं, धनिया पाउडर डालते हैं तो सब्जी का रंग काला हो जाता है, इन्होंने यूज़ किया 1 इंच टाटरी का टुकड़ा और साथ में डाल दिया रंग काट, और तेज पत्ता यूज़ किया 1 मुट्ठी, ये रंग काट इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे। और अब 2 किलो के दही को अच्छे से ये फेंट लेंगे, और इसका भी इसमें यूज है, इससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा। ये 2 kg दही हमने फ्रेश दही यूज़ की है, दही खट्टी ना हो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसमें डालेंगे पानी, इस पूरे भगोने को भर देंगे पानी से, बस थोड़ा सा कमी रहेगा क्योंकि हम इसमें हमें आलू भी ऐड करने हैं, करीबन करीब इन्होंने 4 बाल्टी पानी डाला है। और अब बॉईल की हुई जो मटर है वो ऐड कर देंगे, देखिए कितना जबरदस्त कलर आया। और बस इसको पकने देंगे करीबन करीबन 1 घंटा है, हो गया है इसको पकते पकते पकते, ये सब्जी टोटल 1 घंटा पकने वाली है। और इसमें ऐड कर दिया बॉईल करके मैश करके आलू। अगर इस टाइम पर आपको लगता है कि हमारी जो सब्जी की ग्रेवी है थिक है तो आप इसमें बाद में भी पानी ऐड कर सकते हो।
और बस आलू को चलाते जाएं चलाते जाएं। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है मसालों की और सब्जी भी बहुत अच्छी बनी है। और बस इसको पकाते जाएं, करीबन आधा घंटा इसको पकाना है। धीरे धीरे ये जो आलू एक साथ मिक्स होके रखे हैं उसको भी धीरे धीरे फोड़ लेंगे। और देखिए हमारा पूरा सबसे बड़ा भगोना आलू की सब्जी से रेडी है। बस ये पकाने का काम बचा हुआ है। आप शायद इस टाइम पर एक पैकेट कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो। उससे मेरी जब हलवाई भैया से बात हुई थी तो उन्होंने ये चीज़ मुझे ज़रूर बताई थी, अगर थोड़ा सा ज़्यादा तीखा सा खाना है तो आप अच्छा टेस्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और बस गार्निश करके हमारी सब्जी रेडी। हमने ऊपर से डाल दिया धनिया। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को नए हैं तो, और कमेंट करके मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी, क्या आपने इसको ट्राई किया घर पे, और बेल आइकन जरूर दबाएं। बाय।